पहले भी पढ़ चुके हैं जी, लफ्ज जादू कर देते हैं, लफ्ज जादू कर देते हैं। कभी हुआ किसी पर जादू? हुआ जादू? वो जादू हमें भी सिखा दें। हुआ है या कभी किसी के पे किया है? सिर्फ जादू हुआ है या किया भी है? हुआ है। लड़कियों पर वैसे अक्सर जादू होता ही है, करती नहीं है ये, करती भी है। और मेरा ये मैं कासम अली शाह साहब की फाउंडेशन इरफान साहब में शेयर करना चाहूँगा, हमने स्पेशल विंग बना दिया है, विमेन विंग, कि हम औरतों को किस तरह से बाइख्तियार कर सकते हैं ताकि वो ज़िंदगी जी जाएं, वो डिपेंडेंट ना हो। इंडिपेंडेंट कैसे हो? इंडिपेंडेंट कैसे हो? और लफ्जों का जो जादू है ना, सबसे बड़ा जादू है, और लफ्जों का मरहम सबसे बड़ा मरहम है। इस जादू को भी जिंदगी में समझें और इस मरहम को भी समझें। इनका इख्तियार हमारे पास है और ये बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, और करते हैं। हमने इनके इस्तेमाल को ढूंढना, हमें महसूस नहीं होता, लफ्ज हमारी जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड है हमारी सोच के साथ। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि लफ्ज गुलाम हैं बोलने से पहले, और फिर इंसान गुलाम है लफ्ज बोलने के बाद, और फिर जिस पे बोल दिए जाएं वो भी गुलाम हो जाता है। क्यों? जब आप जादू पर लफ्ज बोलेंगे, और आज जाने के बाद आपने अम्मी और अबू को जादू कर दिया,